वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल लाइव साइट विजिट। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 एकर्स की आपकी टाउनशिप रहेगी जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे है। तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे लाइक विलास, प्लॉटिंग एंड फ्लैट्स। जो इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगी वो हमारा विला रहेगा 117 गज में। तो आइए चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे। सो गाइज, ये रहेगा 117 गज का विला जिसका साइज होगा 24x45 एंड जो इसकी एलिवेशन रहेगी वो स्पेनिश लुक के साथ हमने डिज़ाइन की गई है। जितनी भी इंटरनल रोड्स होंगी वो सारी 35 फीट की होंगी एंड जो एरिया है जहाँ पे मैं प्रेजेंटली खड़ी हूँ ये आपका पार्किंग स्पॉट रहेगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। एंड बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीन एरिया को मेंटेन किया गया है। सो गाइज, इस विला की एक खासियत ये रहेगी कि इसकी दो एंट्री जो है आपको मिलेंगी। एक एंट्री जो आप मेरे बिहाइंड देख रहे हैं यहाँ से रहेगी जो कि डायरेक्ट आपके ड्राइंग रूम से होगी। दूसरी एंट्री होगी जो मेन एंट्रेंस रहेगी जो आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। सो अभी हम एंट्री लेंगे हमारी मेन एंट्रेंस से। सो गाइज, ये हम आ चुके हैं अपनी मेन एंट्रेंस पे। मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं प्लांटिंग के साथ इसे डेकोरेट किया गया है ताकि इसकी एंट्रेंस ही काफ़ी ज़्यादा लेविश है। और जो गेट रहेगा वो 8 फीट की हाइट के साथ रहेगा जिसपे ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ इसे जो है मेंटेन किया गया है। तो आइए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने विला के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एरिया आता है वो हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इस सोफ़ा सेट के अलावा आराम से 2 सोफ़ा सेट और यहाँ पे असेंबल आप कर सकते हैं एंड एक इनफ स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सोफ़ा सेट के सामने यानी इसके अपोजिट आ जाता है हमारा LED पैनल। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आप इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छा रहेगा, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग्स होंगी या फैमिली के साथ गेट टुगेदर के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस रहेगी। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी ड्यूल एंट्री रहेगी तो यहाँ से भी आप जो है अपने घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो गाइस, ड्राइंग एरिया की ही बिल्कुल एडजॉइनिंग आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा। काफ़ी इनफ स्पेस जो है आपको यहाँ पे भी मिल रही है जहाँ पे आप कंफर्टेबली जो है अपना खाना खा सकते हैं एंड स्पेस को जो हमने यूटिलाइज़ किया है वो काफ़ी बेस्ट तरीके से किया है। चाहे वो हमने ड्रॉअर सेक्शन बनाया हो कि आपका कोई भी सामान हो तो प्रॉपर ड्रॉअर्स में रहे, घर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। एंड इस स्पेस की भी मैं बात करूँ तो प्रॉपर वार्डरोब दे के यहाँ पे ताकि आप डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि घर की एंट्रेंस पॉइंट हमारा यही रहेगा। कोई भी घर में एंटर करता है तो जो लुक रहेगी वो हमारी ये लुक रहेगी, तो जिसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो जो है काफ़ी खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव लगे। ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं ड्राइंग कम डाइनिंग में, ये हमने कंसेप्ट यूज़ किया है। इफ़ यू वांट तो आप इसको चेंज करके अपने कन्वीनियंटली इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो वॉल हो जिसपे आप मिरर का यूज़ करके इसको और ब्यूटिफुल बना सकते हैं। इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगी हमारी किचन। सो फ्रेंड्स, ये रहेगी आपकी किचन जो कि ब्यूटिफुली डिज़ाइन रहेगी। पैलर वे में हमने इसे डिज़ाइन किया गया है। सो कैबिनेट्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी, बोथ साइड जो है आपको कैबिनेट्स मिलेंगे ताकि स्टोरेज जो आपकी इंटरनली रहे। एंड जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे कलर थीम का, वो ब्लैक एंड वाइट कलर थीम यूज़ किया है जिससे किचन की जो लुक्स रहेंगी वो काफ़ी रॉयल लगेंगी। तो ग्रेनाइट मार्बल जो है हमने स्लैब पे यूज़ किया है जो कि आपको बोथ साइड जो है मिलने वाला है। ड्यूल सिंक के साथ हम आपको ये किचन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर जो है आपको चिमनी एंड आरओ दोनों चीज़ें जो है आपको मिलेंगी।
एक प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है रेफ्रिजरेटर की। अगर आप चाहते हैं कि आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना है तो सफिशिएंट स्पेस आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपकी किचन रहेगी। इसका बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि प्रॉपर आपको स्टोरेज के लिए एक पेंट्री सेक्शन भी हम दे रहे हैं। इसी के साथ आपकी बालकनी अटैच रहेगी किचन के। काफ़ी अच्छे साइज में आपको बालकनी मिल रही है जो कि वॉशिंग एरिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर टैप्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओपन टू स्काई रहेगी तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में होती रहेगी। सनलाइट जो है आपके घर में रहेगी। सो फ्रेंड्स, जो इस विला का कंसेप्ट रहेगा आपके ग्राउंड फ्लोर पे वन बेडरूम का रहेगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके ड्राइंग कम डाइनिंग में और किचन में इवन इन द बेडरूम आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। सो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम रहेगा आपके विला का। तो काफ़ी सिंपल एंड क्लासी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल बेड के अपोजिट आ जाएगा आपका एलईडी सेक्शन जहाँ पे आप बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन का एंजॉय कर सकते हैं। वार्डरोब्स भी जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है तो ताकि कोई भी स्टोरेज रहे तो आप इंटरनली यहाँ कर सकते हैं, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स, क्योंकि स्पेस जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है तो प्रॉपरली उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हैं। सो आप ये विंडो देख रहे हैं ताकि लाइटनिंग आपके रूम में रहे, वेंटिलेशन आपको जो है यहाँ पे मिलती रहे। तो काफ़ी ह्यूज आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है जो कि प्लस पॉइंट रहेगा। एंड एक सेपरेट आपका वार्डरोब सेक्शन आ जाएगा जो कि सीलिंग की हाइट के साथ आपको वार्डरोब्स मिलेंगी। काफ़ी ह्यूज स्पेस रहेगा एंड विद मिरर, तो एक आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का, तो प्लस पॉइंट रहेगा। सो बिल्कुल इसी के साथ अटैच रहेगा हमारा वॉशरूम। अगेन वॉल टू वॉल टाइलिंग्स रहेंगी, काफ़ी वुडन जैसे टाइलिंग्स यहाँ यूज़ की हैं तो एक प्रीमियम लुक आ रही है आपके वॉशरूम्स की। जो सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले मैं आपको एक और एरिया दिखाना चाहूँगी जो कि बिल्कुल आपकी एंट्रेंस गेट के अपोजिट रहेगा। तो आप स्टेयरकेस के नीचे के एरिया को जो है स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड जो सामने देख रहे हैं आप, तो इधर शू रैक के या फिर कुछ भी एज पर योर चॉइस इस एरिया का स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर जाने का एसेस रहेगा हमारा स्टेयरकेस के थ्रू, जिसमें जो आपको ग्रिलिंग मिलेगी वो वुडन वर्क की यूज़ की है। एंड जो मार्बल देख रहे हैं वो ग्रेनाइट मार्बल जो आपको स्टेयरकेस में मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइस, आप जो ये वॉल देख रहे हैं, प्लेन वॉल जो है आपको मिलने वाली है, बट अगर आप चाहें तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं थ्रू वॉलपेपर्स और एनी अदर आइडिया। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको विंडो मिलेगी ताकि लाइटनिंग वेंटिलेशन बनी रहे। एंड बाय प्लांटिंग ट्रीज जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो ये रहेगी आपकी एंट्रेंस लोबी आपके फर्स्ट फ्लोर की, जो कि काफ़ी प्लेन एरिया की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। या फिर अगर आप कोई और ऑप्शन देख रहे हैं लाइक बार भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं एंड अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। बिल्कुल अपोजिट रहेंगे आपके रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स, सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम। तो आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। सो गाइस, ये रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेस की। काफ़ी अच्छी स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। एक थीम ये रहा है कि बिल्कुल सिंपल, जो सिंप्लिसिटी होती है वो बेस्ट रहती है। तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस रहेंगे। अगर पर्सनली जैसे मैं अगर इस विला में रहती होती तो मैं ये बेडरूम अपने लिए ज़रूर रखती, बिकॉज इसका रीज़न है। इसकी जो बालकनीज रहेंगी वो टू बालकनीज रहेंगी, एक तो ये, तो एक बालकनी ये रहेगी जो कि ओपन टू स्काई है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है बालकनी से, फ्रेशनेस आएगी, ओपननेस आएगी। मतलब अगर कोई वेदर मॉनसून रहेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और इसे डेकोरेट कर सकते हैं थ्रू बीन बैग्स, चेयर लगा के। तो एक परफेक्ट लोकेशन रहेगी आपकी। एंड जो दूसरी बालकनी रहेगी हमारी स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी। सो गाइस, ये हमारी सेकेंड बालकनी रहेगी सेम रूम की। तो अच्छी ग्रिलिंग की हाइट यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर मैं इस विला की पर्टिकुलरली बात करूँ तो बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारा गार्डन,
जहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया भी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू जो है मुझे यहाँ से मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस रूम में भी जो आपका वार्डरोब एरिया रहेगा वो सेपरेट एरिया रहेगा। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेपरेट एरिया दिया गया है आपको वार्डरोब्स के लिए, जिसमें आपको लुक एंड मिरर भी मिल रहा है, एंड बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा आपके वॉशरूम के साथ, जिसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो ब्रांडेड रहेंगी। एक सूदिंग कलर के साथ जो है आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिलेगा आपकी वॉल्स पे, एक अच्छे स्पेस के साथ ये आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेस कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना अमेजिंग इसका स्पेस एरिया रहेगा, जिसको काफ़ी डिसेंट तरीके से हमने डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल इसके अपोजिट बेड किया जाएगा आपका LED सेक्शन, जो कि आप एज पर योर चॉइस इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे विंडो भी मिल रही है, ताकि जो लाइटिंग रहे यहाँ पे प्रॉपर रहे। इसके अलावा इस एरिया को मैं अगर बात करूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चाहे वुडन वर्क के साथ जो हमने वहाँ पे कबर्ड्स इंस्टॉल किए हैं, प्लांटिंग की है, तो आप चाहे तो कुछ भी और तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। इसके एडजॉइनिंग आपकी बालकनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये आपको बालकनी मिल रही है आपके थर्ड बेडरूम के साथ, ताकि वेंटिलेशन एंड सनलाइट बनी रहे। सो गाइस, इस रूम में भी जो आपका वार्डरोब एरिया होगा वो सेपरेट किया गया है, तो इधर भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी वॉल टू वॉल आपकी वार्डरोब्स आएंगी, एंड इवन ऑन द राइट साइड भी आपकी आ रही हैं। एंड जो लुक एंड मिरर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है आपको यहाँ। बिल्कुल एडजॉइनिंग आ जाएगा हमारा वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे कलर थीम के साथ हमने डिज़ाइन किया है। एंड स्पेस जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल रही है, जो सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड रहेंगी, और जो मिरर है उसकी अलग ही खास बात है, जो कि इसकी रूम वॉशरूम की लुक्स को इंक्रीज कर रहा है। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर, जिसमें हम आपको टू बेडरूम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फॉर सेकेंड फ्लोर के लिए असेस रहेगा आपके स्टेयर केस का। अगेन यहाँ पे जो है वुडन वर्क के साथ आपको ग्रिलिंग मिलेगी, एंड जो भी आपका मार्बल यूज़ हुआ है वो ग्रेनाइट मार्बल यूज़ हुआ है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। एक स्पेनिश डिज़ाइन के साथ जो है आपको ये प्रॉपरली विला हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। सो गाइस, ये अभी आपने देखा हमारा 117 स्क्वायर यार्ड का ड्यूप्लेक्स विला, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में मिल जाएगा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, किचन एंड वन बेडरूम, एंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे आपके टू बेडरूम कंसेप्ट। तो काफ़ी स्पेशियस था ये हमारा 117 स्क्वायर यार्ड का विला। तो बात करते हैं इसकी सोसाइटी की अमेनिटीज़ के बारे में, तो काफ़ी अमेनिटीज़ रहेंगी। लाइक जो क्लब हाउस रहेगा वो आपके 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें आपको स्प्लैश पूल मिल जाएगा, बैंकेट हॉल मिल जाएगा, ओपन थिएटर भी आपका यहाँ पे सोसाइटी के अंदर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर अमेनिटीज़ की बात की जाए, तो प्रॉपर गेटेड सोसाइटी रहेगी विद 3-tier सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनली आपको क्लब हाउस मिल जाएगा विद अ साइज ऑफ 3000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको स्प्लैश पूल, ओपन थिएटर, बैंकेट हॉल, जिम मिल जाएगा, एंड इसके अलावा ओपन एरिया एंड ओपन स्पेसेस रहेंगे यहाँ पे आपकी सोसाइटी में। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।